नोएडा सेक्टर 62 जो है वो मेट्रो स्टेशन आज हम आपको बताने वाले कैसे आ पाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के विशेष वीडियो में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी हम नोएडा सेक्टर 62 जो मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर है, एग्जिट में है। ये मेट्रो लाइन है जो कि जाती है यहाँ से आप राजी चौक या फिर नोएडा जो है यहाँ से अगला एक स्टेशन है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कि इसके अगले पड़ते हैं। तो ये लास्ट स्टॉपेज है, उससे एक पहले है। यहाँ पे आने के लिए हम आपको बता दें कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो इसके नियरेस्ट में एक फोर्टिज हॉस्पिटल है जो कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है, बोर्ड नज़र आ रहा होगा, यही है फोर्टिज हॉस्पिटल जो कि जैसे ही मेट्रो से आप एग्जिट होंगे तो जस्ट सामने है। यहाँ से आपको ION जो है डिजिटल जोन एक सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे बहुत सारे लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर वहीं पे पड़ता है। तो यहाँ से आने के बाद देख सकते हैं नोएडा सेक्टर 62 जैसे ही आप एग्जिट होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑटो लगे हुए हैं और इन सभी के सहारे आप 10 रुपया देंगे तो आपको ION जो है आप जा सकते हैं जहाँ पे डिजिटल जोन है जो कि अधिकतर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नोएडा में सेक्टर 62 में यहीं पे होता है। तो यहीं पे उतरना पड़ेगा, फोर्टिज हॉस्पिटल जाना है नोएडा का सेक्टर 62 का, तो ये सामने का लोकेशन में है। तो ये मेट्रो नियरेस्ट पड़ता है, मेट्रो से जैसे ही एग्जिट होंगे तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको नियरेस्ट में पड़ेगा। अभी हम मेट्रो के अंदर ले चलते हैं, ये सारे लोग देख सकते हैं बाहर आ रहे हैं तो अभी हम अंदर ले चलते हैं और अंदर भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और आपको एक एक चीज़ बताते हैं। तो चलिए अंदर और चलते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहेगा। अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये देख सकते हैं अंदर जाने का रास्ता है, ये ओवर ब्रिज है जो कि दोनों तरफ से है, इधर से आप दूसरी ओर क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अंदर एक ओवर ब्रिज है उसके सहारे आप जा सकते हैं। यहाँ पे डी पार्क भी है जो कि यहीं के बगल में है जहाँ पे भूल भुलैया एंड ऑल जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एस्केलेटर लगा हुआ है, एस्केलेटर के सहारे आप जा सकते हैं। एस्केलेटर में अभी हम जाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं नोएडा सेक्टर 62 जो मेट्रो स्टेशन है यही है दोस्तों, जो कि ओवर ब्रिज बना हुआ है। ऊपर में देख सकते हैं ये पूरा मेट्रो स्टेशन है और नीचे जो है वो रोड बनी हुई है जहाँ पे अलग अलग जो लाइनें हैं वो जोड़ी गई है। तो जब भी आप आते हैं ये सामने जो मेट्रो स्टेशन है, जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे आप बैठेंगे और यहाँ से उतरेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा जहाँ पे दोनों साइड से बहुत सारे रोड बने हुए हैं और अलग अलग जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार चलती रहती है। ये मेट्रो स्टेशन है नोएडा सेक्टर 62 का। यहाँ से उतरने के बाद फोर्टिज हॉस्पिटल जो है वो नियरेस्ट में, इसके साथ साथ मैं आपको ION डिजिटल जोन जो है जहाँ पे अधिकतर लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है वो आपको नज़दीक में मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें नज़दीक में है। यहाँ से अभी हम एंट्री लेंगे, ये देख सकते हैं सीढ़ी बना हुआ है अलग अलग और यहाँ से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? नजराना। हाँ नजराना, क्या चाहिए तुमको? हाँ पैसा, पैसा चाहिए पेन के बदले? कितना? 10 रुपया? 10? हाँ 10 रुपया? 5 रुपया? 10 रुपया चाहिए। घर कहाँ है तुम्हारा? बहुत दूर है। बहुत दूर है, अभी हम देंगे तुमको, अभी देंगे, खुला करके आते देंगे, ठीक है? तो ये बच्ची है देख सकते हैं, ये पेन बेच रही है और 10 रुपया मांग रही है। तो इसको हम अभी 10 रुपया देंगे, पेन भी नहीं लेंगे बट इसको 10 रुपया देंगे क्योंकि अभी हमारे पास चेंज नहीं है। बहुत क्यूट है बाबा, कोई नहीं है। तो ये देख सकते हैं नोएडा सेक्टर 62 का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। अभी मेट्रो के अंदर जाएंगे, मेट्रो के अंदर जाने के लिए हम आपको बता दें कि आपका बैग चेक इन होता है और आपके पास मेट्रो कार्ड या ये चीज़ें होनी चाहिए तभी आपको मेट्रो के अंदर जाने दिया जाता है। तत्पश्चात आप यहाँ से राजीव चौक या फिर अन्य जो लाइनें हैं वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बोटनिकल गार्डन भी जा सकते हैं, वहाँ से भी अन्य जगह पर जा सकते हैं या फिर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ से हम अभी बोटनिकल गार्डन जाएंगे, वहाँ का भी वीडियो दिखाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो देखिएगा। अभी सेक्टर 62 का और भी हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। यहाँ से आपको बता दें 10 रुपये देंगे तो डी पार्क जो है नोएडा का वो भी आप घूम सकते हैं जो कि यहाँ से नियरेस्ट में है और आपको ऑटोज वगैरह नीचे मिल जाएगा जहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो भी आप घूम सकते हैं। अब 20 रुपये तुमको मिल गया, 20 रुपये रखो। अब क्या नाम है? नजराना। नजराना नाम है आपका, आप यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? गांव ले जाती है? नहीं, मैं गांव लेती हूँ। अच्छा, मम्मी भी लेती है। तो ये पेन देते हो तुम? हाँ। पढ़ते नहीं हो?
पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? हाँ? उसको नहीं आता। नहीं आता है? तो पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ते हो? पढ़ते हो? ABCD आता है? हाँ, ABCD आता है। चलो ठीक है, बाय बाबू बाय। सकते दोस्तों कि अभी मैं मौजूद हूँ सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन, ये एंट्री गेट है जहाँ पे मैंने पहले आपको वीडियो दिखाया, और ये बाहर से अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं पूरे सेक्टर 62 का। और ये प्लेटफॉर्म के अंदर है जहाँ पे अभी ट्रेन आएगी, और यहीं पे हम बैठेंगे और यहाँ से फिर हम ट्रैवल करेंगे। तो ये है एस्केलेटर, ये द्वारिका की ओर जाती है, और उस साइड अगर आप जाएंगे तो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कि लास्ट नोएडा का मेट्रो स्टेशन है वहाँ जाती है। तो इधर आप आएंगे तो आप राजीव चौक एंड जो भी द्वारिका की ओर बदलना है वो आपको इस साइड पे बैठना पड़ेगा। ये है आपका गेट नंबर 2, और उस साइड पे है प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये 2 है। और ये बाहर का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं, नोएडा सेक्टर 62 के बगल का ये पूरा दृश्य है। और हमने आपको दिखाया कि यहाँ से फोर्टिज हॉस्पिटल जो है वो नियरेस्ट में है, इसके साथ साथ ION डिजिटल जोन में अगर आपका सेंटर पड़ता है वो नज़दीक है, डी पार्क नज़दीक है, ये सारा नज़दीक है जो कि यहाँ से आप जा सकते हो। पूरी तरीके से चारों तरफ से बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे बिल्डिंगें हैं जो आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेट्रो में आप देख सकते हैं सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन आने की। तो इस तरीके से यहाँ पे मेट्रो है, और यहाँ से आप जा सकते हैं। सेक्टर 62 है जो कि लास्ट मेट्रो पड़ता है, इसके बाद नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लास्ट मेट्रो स्टेशन है, और उसके बगल पर नोएडा 62, ये सेक्टर 62 है। तो यहीं पे आपको उतरना पड़ेगा, इन सभी जगह पे जाते हैं, नोएडा में किसी भी जगह जाना हो तो यहीं पे उतरना पड़ेगा। यहाँ से आप जा सकते हैं, जितने भी आपको सामने बिल्डिंगें नज़र आ रहा है ये सारा फ्लैट है, अलग अलग फ्लैटें हैं जो कि बने हुए हैं, और यहाँ से आप जा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन था यहाँ का जो मैंने आपको दिखाया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियोज़ में हम फिर मिलेंगे। अंदर चेक इन चेकआउट करने के बाद फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस तरीके से बैग वगैरह आपके पास है, स्कैन होगा, आपको टिकट मिलेगा, आपके पास कार्ड है तो कार्ड लेके फिर आप आ सकते हैं, जो कि इस तरीके से कार्ड होता है। ये कार्ड है मेट्रो कार्ड, इस तरीके से कार्ड होगा जिसको आप पंच करेंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगा, और जब एग्जिट होंगे तो इसी कार्ड को दिखाना पड़ेगा तो आप एग्जिट हो सकते हैं। ओपन में है ये मेट्रो स्टेशन, आपको बता दें कि अंडरग्राउंड नहीं है, बिल्कुल ओपन है। और जगह का जो मेट्रो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है, लेकिन ये ओपन में है, आप देख सकते हैं बाहर है, ओवर ब्रिज बनाया गया है उसी में ये मेट्रो चलती है, और ये नोएडा का लास्ट मेट्रो स्टेशन है। तो नीचे देख सकते हैं रोड है जहाँ पे अब एग्जिट होंगे, ये जो है ये एग्जिट का ऑप्शन है जहाँ से एग्जिट होंगे, और एग्जिट होने के बाद आपको इस तरीके से मिलेगा, यहाँ से आपको ऑटोज वगैरह लगातार मिल जाएगी, जो कि ऑटो के सहारे या जो भी गाड़ियाँ चलती हैं उनके सहारे आपको नोएडा के किसी भी जगह जाना तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। मेट्रो में उतरने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोज वगैरह लगातार लगी हुई है। तो ये वीडियो था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियोज़ में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों।